नमस्कार, मैं सोनी ओझा, स्वागत है आपका N24 न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं झारखंड के खबरों की ओर। धुरैता पंचायत मुखिया पद से विजयी हुए प्रदीप सिंह ने हाई एंड 24 प्रतिनिधि से बातचीत के क्रम में कहा कि जनता की एक एक वोट को मैं रक्षा कवच के रूप में सम्मान देने काम करूंगा। जनता का जो प्यार स्नेह मुझे मिला है, मैं उसका पूरा रक्षा एवं मान सम्मान देने का काम करूंगा। आज पंचायत में जो अराजकता का माहौल देखने को मिला है, उसको मैं जड़ से खत्म करने का प्रण लेता हूं। जनता ही किसी प्रतिनिधि का मालिक है। लोगों के द्वारा जो दिशा निर्देश मुझे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष के रूप में देंगे, उसका मैं निर्वहन करने में जरा भी कोताही नहीं करूंगा। उन्होंने जनता से अपील की कि आपकी हर समस्या के निदान के लिए मेरे आवास का दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा। साथ ही पंचायत सचिवालय में मेरा अपना कार्यालय रहेगा, जो हर दिन खुला मिलेगा। मैं लोगों से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको वृद्धा पेंशन, पीएम आवास, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड आदि छोटी छोटी जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए आपको ब्लॉक का चक्कर लगाने नहीं दिया जाएगा। सारे समस्या का निदान पंचायत सचिवालय में ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि जो भी अधूरा काम पंचायत क्षेत्र में पड़ा हुआ है, साथ ही और बड़े बड़े योजनाओं का कार्ड देना मेरा पहला प्राथमिकता होगा। हमारे मुखिया जी जो है तो बहुत मैंने अच्छा व्यक्ति हैं। सब जनता से व्यवहार अच्छा रखते हैं इन लोग, और हम लोग भी इन लोग यहाँ तक प्रयास किया जो ताकि ये सफल रहे और विजय रहे। विकास के लिए आप अपना वोट दिए हैं? हम लोग मुखिया जी के विश्वास पर हम लोग जहाँ तक हुआ प्रवास प्रयास किए, और जहाँ तक हुआ हम लोग उनको आगे पीछे लगे रहे। जिन्होंने मुझ पर भारी विश्वास के साथ हम पर भरोसा जताए, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का 100% प्रयास करूंगा। उनके हर सुख दुख पर मैं खड़ा रहने का प्रयास करूंगा, और क्षेत्र के अपने धुरैता पंचायत की जनता को हम इस जीत का सीधा सीधा श्रेय हम जनता को देते हैं, और वह शुभकामना के पात्र हैं। हम उनका सेवक के रूप में काम करेंगे, जिस तरह से आवश्यकता पड़ेगा उनके सुख दुख में हम खड़ा रहे। ये तो महसूस हो रहा था, पर जनता के प्रति मुझे पूर्ण विश्वास था। मैंने 7 साल चुनाव हारने के बाद जो जनता के एक एक कार्य में मैं लगा रहा, और मैं दिल से सेवा किया था, इसलिए मुझे सेवा पर मुझे पूरा भरोसा था कि भले कुछ या सामाजिक रूप से मेरे ऊपर प्रहार भी करने का प्रयास किया, मेरे ऊपर वार करने का भी प्रयास किया, लेकिन जनता ने खड़ा होकर के मुस्तैदी से मुझे उसका जवाब देने का काम किया। अधूरे काम को आप पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे। कुछ अधूरे काम है उसको पूरा करेंगे, और कुछ नए ऐसा कार्य करेंगे जो ऐतिहासिक होगा।